हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएचएन मोटिवेशन में। डर जीवन का हिस्सा है और यह हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन कभी कभी हम डर को अपनी आदत बना लेते हैं और डर इतना हावी हो जाता है कि हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। डर का सबसे बड़ा कारण आत्मविश्वास की कमी होता है, या फिर डर तब लगता है जब हम कोई नई चीज करते हैं। जब हम अपने आरामदेह दायरे से बाहर कोई कार्य करते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन डर को मिटाने का केवल एक ही तरीका है, वह है वह कार्य जरूर करें जिसमें आपको डर लगता है। आप डर को डर का सामना करके ही समाप्त कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक चूहा था जो हमेशा बिल्ली के डर से सहमा सहमा रहता था। बिल्ली के डर के कारण वो अक्सर अपने बिल में ही छुप कर रहता था, न तो अपने साथी चूहे के साथ खेलता और न ही बाहर निकलने का साहस जुटा पाता था। एक दिन एक बुजुर्ग चूहे ने उस डरपोक चूहे को एक चमत्कारी स्वामी जी के बारे में बताया जो सबकी मदद करते थे। डरपोक चूहा बड़ी हिम्मत कर बिल के बाहर निकला और स्वामी जी के पास गया। चूहे ने अपनी समस्या स्वामी जी को बताई और मदद की गुहार लगाकर रोने लगा। स्वामी जी को उस चूहे पर दया आने लगी और उन्होंने उस चूहे को आशीर्वाद देकर अपनी शक्ति से बिल्ली बना दिया। कुछ दिनों तक बिल्ली ठीक रही, पर अब उसे कुत्तों का डर सताने लगा। वह फिर स्वामी जी के पास जाकर रोने लगा। स्वामी जी ने उसे अपनी शक्ति से कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनने के बाद वह जंगल में शेर से डरने लगा। स्वामी जी ने उसे शेर बना दिया। शेर की ताकत और क्षमता होने के बावजूद अब वह शिकारी से डर डर कर रहने लगा। वह फिर से स्वामी जी के पास गया और मदद की गुहार लगाने लगा। स्वामी जी ने शेर की बात सुनकर उसे फिर से चूहा बना दिया और कहा, मैं अपनी शक्ति से चाहे जो कर लूं या तुम्हें जो बना लूं, फिर भी मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा दिल हमेशा उस डरपोक चूहे वाला ही रहेगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, कहीं न कहीं हम सभी में से बहुत से लोगों की यही हकीकत है। आज हम सब किसी न किसी डर के खौफ में जी रहे हैं। किसी को मौत का डर है, किसी को सपनों से बिछड़ने का, किसी को बॉस का या फिर असफल होने का डर है। डर नामक इस बीमारी की वजह से हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जिसके कि हम काबिल हैं। गब्बर ने भी सही कहा है, जो डर गया समझो मर गया। आप जितना अपने डर से दूर भागेंगे वह उतना ही आपके पास आकर आप पर हावी हो जाएगा। जिस दिन आप हिम्मत उठाकर उसका सामना करेंगे वह पल भर में गायब हो जाएगा और तब आपकी समझ में आ जाएगा कि जिससे आप डर रहे थे वो केवल आपके मन का वहम है। अपने मन में बसे डर को दूर भगाकर आत्मविश्वास और मेहनत से आप अपनी हर मंजिल को हासिल कर सकते हैं। कई बीमारियां ऐसी हैं जिसमें सिर्फ डर या चिंता के कारण मरीज की हालत बिगड़ जाती है, जैसे कि हाई बीपी, हाइपोथायरॉइडिज्म, अस्थमा, एपिलेप्सी इत्यादि। गलतियां सबसे होती है और यह कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ज्यादातर सफल लोगों के अनुसार गलतियां और असफलताएं हमारे जीवन में अति आवश्यक है और इसका महत्व सफलताओं से भी अधिक है। हम गलती करके ही सीखते हैं और कोई दूसरा बेहतरीन तरीका नहीं है। महान लोगों के अनुसार आप जितनी ज्यादा गलतियां करते हैं उतनी ही ज्यादा आपके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज गलत है और वह है अपनी गलती को दोहराना। सबसे बड़ी बात यह है कि अपना जीवन दूसरों लोगों के अनुसार जीना बंद करें। लोग कहते रहेंगे, वह करे जो आपको सही लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसे करते वक्त आपको पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई। हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां ऐसी हो कि आप दिन भर वह नहीं कर सकते जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है। ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ तन के साथ साथ स्वस्थ मन का होना बहुत जरूरी है। याद रहे, किसी ने ठीक ही कहा है, डर के आगे जीत है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो मैं हर समय आपके लिए लाता रहता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।